Renterforce.com. हम आए हैं केरला के आलपुजा डिस्ट्रिक्ट में बने चिमो श्री सुब्रमणिया स्वामी टेम्पल में, जहाँ पूजा होती है बाल मुर्गन की। ढोल नगाड़े पालकी और लोगों की ढेर सारी आस्था। देखने में तो ये एक आम टेम्पल सा लगता है ना? अरे पर थोड़ा इंतजार कीजिए। Omg, लगाना मीठा मीठा झटका। यहाँ के मुर्गन भगवान का फेवरेट चढ़ावा है मंच चॉकलेट। वैसे बाल मुर्गन मंच पे इतने मेहरबान कैसे हो गए, इसके पीछे की स्टोरी उतनी ही क्यूट है। कहते हैं कि कुछ 8 साल पहले की बात है कि एक बच्चा बीमार पड़ा और नींद में भगवान मुर्गन को पुकारता रहा। दूसरे दिन उसके माँ बाप उसे मंदिर लेकर आए और फूल चढ़ाया, लेकिन उस बच्चे ने जिद पकड़ ली कि भगवान के साथ उसकी फेवरेट चॉकलेट ही शेयर करेगा। और बच्चे की मासूमियत के आगे भगवान को भी मंच स्वीकार करनी ही पड़ी और बच्चे की तबीयत अपने आप ठीक हो गई। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इस कहानी के लॉजिक पर सवाल उठाएंगे, लेकिन ये फैक्ट जरूर है कि जैसे जैसे ये कहानी फैली, वैसे वैसे दूसरे भक्तों ने पूजा की थाली में लड्डू और पेड़ों को मन से रिप्लेस करना शुरू कर दिया। पिछले कुछ सालों में लोगों में ये विश्वास बैठ गया है कि यहाँ के बाल मुर्गन को मंच सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए लोग मन्नत मांगते हैं और जब वो पूरी होती है तो बहुत सारे बॉक्सेस मंच के चढ़ाते हैं। वैसे तो यहाँ भगवान को लड्डू पेड़े घी के नॉर्मल चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है, लेकिन मंच चॉकलेट की भगवान के भोजन में स्पेशल जगह है और बाल मुर्गन के प्रसाद के लिए तो उनके नन्हे भक्तों की लाइन लग जाती है। चॉकलेट तो सबको अच्छी लगती है, तो भगवान को भी अच्छी लगती होगी ना, इसीलिए तो मैं भगवान के लिए मंच लाती हूँ और पंडित जी मुझे भी मंच देते हैं। पंडित जी प्रसाद में मंच देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी मंदिर में आता हूँ क्योंकि चॉकलेट मुझे यहीं पर मिलती है। कुछ लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं तो कुछ लोग बच्चों के लिए तुल्ला भरम करते हैं, जहाँ भगवान को बच्चे के वजन जितना चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो आप ही डिसाइड कीजिए, क्या कभी आपने किसी मंदिर में ऐसा कुछ देखा है? वैसे हम इंडियंस भी गजब हैं यार। अगर यहाँ मुर्गन को मंच चढ़ाया जाता है तो हरियाणा के नौगजा पीर दरगाह में सफल यात्रा के लिए घड़ियां चढ़ाई जाती हैं, और जलंधर के शहीद बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारा में वीजा के लिए चढ़ाया जाता है एरोप्लेन। हमारी इंडिया की यही बात तो मुझे सबसे फैसिनेटिंग लगती है कि हम लोग लॉजिक को समझते जरूर हैं, लेकिन विश्वास मैजिक में भी रखते हैं, और लॉजिक और मैजिक का ये कॉम्बिनेशन कभी कभी आस्था से जुड़ी चीजों को भी ऐसा मॉडर्न ट्विस्ट देता है कि देखने वाले के मुंह से निकल ही जाता है कि ओएमजी, ये मेरा इंडिया। ओएमजी, ये मेरा।